कपड़ा भारी है, लेकिन कुछ सीटों पर जरूर ऐसा लग रहा है कि वहां पर टक्कर हो सकती है। वो कौन सी सीटें हैं और क्या कारण है? छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, राजगढ़ की हम बात करें या किसी और सीट की बात करें, तो ये वो सीटें हैं जहां पर इतना आसान नहीं है भाजपा को आगे बढ़ना, लीड करना और जीत हासिल करना। ये कौन सी सीटें हैं और इसका क्या कारण है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है वंदना त्रिपाठी, जो भाजपा से प्रवक्ता है। वंदना जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी मौजूद है। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं हम। और हमारे साथ में आप पार्टी के प्रवक्ता अक्षय जैन मौजूद हैं। अक्षय जी, बहुत स्वागत आपका। वंदना जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा कि इस वक्त अगर हम, जब दो चरण हो चुके हैं चुनाव के, बाकी दो चरण बाकी हैं, क्या लगता है कांग्रेस की, भाजपा की स्थिति को आप किस तरह से देखती हैं और कितनी सीटों पर आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं? जी, सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो चल रहा है, सभी मतदाताओं से ये अपील है कि 7 मई को होने वाला जो चुनाव है उसमें आप अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाए, अपने अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच जाए। अगर आप किसी शादी विवाह में हैं तो कृपया कर अपने मतदान केंद्रों के पास पहुंचे और जाकर अपना मतदान दें, लोकतंत्र को मजबूत करें और अपने इस देश में अपनी भागीदारी को स्थापित करें। इस देश सरकार चुने जो आपको लगता है कि सही है, जो आपके लिए सही है, जो देश के लिए सही है, जो जनता के विकास के लिए सही है। तो सबसे पहले सारे जनता से करना चाहूंगी कि आप, अलावा अगर हम की स्थिति के विषय में अगर बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अभी वर्तमान में सरकार में है। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा किस प्रकार से ऐतिहासिक जीत हमने प्राप्त करी है। तो कहीं ना कहीं जब इतनी ऐतिहासिक जीत हमने प्राप्त करी है विधानसभा में, तो हमारी जो ग्राउंड लेवल की तैयारी है, हमारी जो जमीनी तैयारी है, वो हमने पहले ही विधानसभा चुनाव में कर ली थी। आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, अपने बूथ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। हमारे यहाँ पन्ना से लेकर बूथ, बूथ से लेके मंडल, मंडल से लेके जिला और जिला से लेके प्रदेश तक अलग अलग बॉडीज काम कर रही हैं, अलग अलग मोर्चे काम कर रहे हैं और उनका काम सिर्फ यही है कि वो कार्यकर्ता भाव से जनमानस, हमारे कार्यकर्ता है वो मोर्चो, जो मोर्चो प्रभारी है वो जनता तक जाते हैं, लाभार्थी तक आते हैं, गांव को जनता तक पहुंचाते हैं और ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है और क्या कार्य किया है और किस प्रकार से जो योजनाएं चल रही है सरकार की उनका लाभ किस प्रकार से जनता ले सकती है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य करती है और एक परीक्षार्थी की भांति हमेशा अभ्यास करती रहती है। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट निरंतर पढ़ाई करता रहता है तो वो ना तो परीक्षा से डरता है ना उसके परिणाम से डरता है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हम जब जीत कर दिखाएंगे और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त कर फिर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो उसका सबका कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए हुए विकास की योजनाएं और जो हमने पिछले 10 साल में देश की दशा और दिशा को बदला है, बस यही कारण है जिसके कारण हम कहते हैं अब की बार 400 पार। क्या कहती है, कुछ सीटों के बारे में जरूर कहा जा रहा है कि वहां पर भाजपा को इतना आसान नहीं होगा जीतना। जैसे छिंदवाड़ा की हम बात करें तो वो गढ़ रहा है कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का, और इस बार जो है राजगढ़ में है, खुद दिग्विजय सिंह मैदान में है, तो ये सीटें ऐसी हैं जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर टफ कंडीशन है, क्या कहते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी को पिछली बार भोपाल की धरा में हमारी जो सांसद रही हैं साध्वी प्रज्ञा जी, उन्होंने 3.5 लाख मतों से हराया था। तो आप समझ सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जी की स्थिति क्या है। देखिए, जिस जो भोपाल में हार रहा है वो राजगढ़ में जाके कोई कमाल तो कर नहीं देगा, आखिरकार तो प्रत्याशी तो वही रहेंगे। तो इसीलिए दिग्विजय सिंह जी तो बिल्कुल हार रहे। रही बात छिंदवाड़ा की, वहां बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, पर वहां भी हम कहते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कारण कि वहां जो कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से परिवारवाद का एक जाल बिछा कर रखा हुआ है, परिवारवाद का एक जहर फैला कर रखा है, जनता उसे समझ चुकी है। देखिए, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा मॉडल के नाम पे बहुत चुनाव लड़ लिए, चुनाव जीत लिए, लेकिन अब जनता जान चुकी हूं कि उन्होंने छिंदवाड़ा का विकास नहीं किया, स्वयं का विकास किया है।
आप जानते हैं कमलनाथ जी देश के सबसे धनाढ्य उद्योगपतियों में से है, 110 देशों में उनकी कंपनियां चल रही हैं, उनके बेटे नकुल नाथ सबसे धनाढ्य प्रत्याशी है, तो आखिर ये धन आ कहां से रहा है? ये धन जनता को लूट खसोट के ही उनने कमाया है। आप वो याद कर लीजिए जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, तब किस प्रकार से इसने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचारी का अड्डा बना दिया था। इनकी सरकार का दूसरा नाम था तबादलों की सरकार, रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर, आईएएस आईपीएस समस्त अधिकारियों के। तो ये लोग जब शासन में आते हैं खसोट मचाकर रख देते हैं, और जनता ने इस बार ऐतिहासिक जनता पार्टी को देकर इन सबको एक करारा चाटा मारा है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, किसी भी हाल में नहीं चलेगा। अंबिका जी आप अन्ना जी को सुन रहे थे और अन्ना जी बहुत आश्वस्त हैं कि 29 सीटें वो अपनी झोली में लेकर आएंगे। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस कॉन्फिडेंस से कह सकती है कि कांग्रेस जो है वो बाजी मार सकती है। सबसे पहले तो सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई, लोगों को बरगला की सत्ता में आई, और इनकी सच्चाई मध्य प्रदेश का मतदाता अच्छी तरह से जान गया। ये लोग महापुरुषों का तो नाम लेते हैं, आदर्श बघाड़ते हैं, लेकिन महापुरुषों के आदर्श पर चलते जरा भी नहीं। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम तो पहले दिन से ही शुरुआत कर देते हैं और फिर एग्जाम में पूरी तैयारी के साथ करते हैं। हमारा कहना ये है कि बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान काम है, लेकिन आचरण में उतारना ये आसान काम नहीं। ये सरकार पूरी तरह घोटालों की सरकार है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार से पेपर आउट हो रहे हैं, मध्य प्रदेश से कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं और कितने पेपर आउट हुए हैं, कितनी बार फिर दोबारा परीक्षाएं करवाना पड़ी, कितनी शर्मिंदगी लोगों को उठाना पड़ी, कितनी निराशा युवाओं में आई। इसी प्रकार से किसान पूरी तरह हताशा और निराशा से ग्रस्त है। खाद के दाम बढ़ रहे हैं, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, गृहणी परेशान है, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और यहाँ तक अभी अभी एक रिपोर्ट कार्ड आया है इनकी सरकार का, पिछले 10 दिन में एक जो शर्मनाक घटनाएं घटी है जोबट में और मिसरौद में, और अभी उज्जैन का एक घटना सामने आई है। ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। कानूनी व्यवस्था की स्थिति ये मेंटेन कर नहीं पा रहे, इनका अपराधियों पर नियंत्रण नहीं है। ये यहाँ के लोग बच्चा बच्चा यहाँ का समझ रहा है कि ये सरकार चलने लायक नहीं है, और ये सरकार नियंत्रण में नहीं रख पा रही है, अपराधियों को नहीं रख पा रही, प्रशासन को नहीं रख पा रही। इनको इनको इनसे विदाई अब लेना चाहिए, इनको विदा करना चाहिए। दूसरा, आपने छिंदवाड़ा के बारे में बोला, छिंदवाड़ा में इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। छिंदवाड़ा में चुनाव के बिल्कुल एंड टाइम पर चुनावी बेला में कमलनाथ जी के यहाँ पुलिस भेज दी, लोगों को परेशान किया, मृगलानी जी को परेशान किया, हर प्रकार से इन्होंने सारे के सारे हथकंडे अपनाए हैं कि हम चुनाव परिणाम बदल लें किसी प्रकार से और चुनाव को प्रभावित कर लें। लेकिन इनके सारे के सारे जो भी प्रयोग थे, जो भी अलोकतांत्रिक प्रयोग थे, वो असफल साबित हुए थे, और इन्होंने वहां के महापौर को दबा के धमका के अपनी तरफ कर लिया। इस बात क्या हुआ, वो प्रायश्चित बोध के साथ आया, वापस हुआ, उसने नकुलनाथ के बारे में अपील की जनता से और कहा कि नकुलनाथ ही आवश्यक है, नकुलनाथ को जिताइए, मैं गलत लोगों के संपर्क में आ गया था, मुझसे भारी भूल। रहा सवाल दिग्विजय सिंह जी का, दिग्विजय सिंह जी का राहुलगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी इसमें आता है और जीवन संपर्क है, वहां से सांसद रहे हैं। दिग्विजय सिंह का राजगढ़ क्षेत्र के बच्चा बच्चा से संपर्क है। रोडमल नागर जी का जो उपलब्धियां हैं, उन्होंने कोई उद्योग नहीं खुलवाया, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, कोई शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि वहां सबसे ज्यादा अगर गरीबी की स्थिति है तो राजगढ़ क्षेत्र में, पिछड़ापन है तो राजगढ़ क्षेत्र में,
दस साल में लोग राजगढ़ में कर क्या रहे हैं और पब्लिक क्यों वोट देगी इनको, इनकी जमीन खिसक रही है राजगढ़ से, हार रहे हैं छिंदवाड़ा की तरह और भी कोई जगह है जहां पर आपको लगता है कि आप मजबूत हैं? भिंड से ये लोग हारने वाले हैं। हमारी भिंड के सांसद ने एक बार भी कोई प्रश्न नहीं पूछा लोकसभा में जाके, अच्छे और भले में लोगों के आए नहीं, कोई भागीदारी नहीं रही, बिल्कुल गूंगी गुड़िया लोग कहते हैं यहाँ पर, यहाँ के लोग जानते नहीं उनको, कभी कोई संपर्क नहीं रहा। और यहाँ कुलसिंह बरैया चुनाव जीत रहा है, मुरैना में भी यही हालत है, मुरैना में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, यहाँ पर ग्वालियर में भी ग्वालियर में पार्टी जीत रहा है। छिंदवाड़ा और राजगढ़ आपने चार जगहों का नाम लिया है जहां पर आपकी स्थिति मजबूत। चलिए अक्षय जी मौजूद हैं, अक्षय जी आप पार्टी से हैं और मुझे लगता है कि तटस्थ रूप से आप विश्लेषण भी कर पाते हैं। अक्षय जी क्या लगता है मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में आपको क्या लगता है अगर विश्लेषक के तौर पर हम बात करें? सर जो मैं स्टडी कर रहा हूँ मुझे लगता है छिंदवाड़ा मंडला सीधी सतना राजगढ़ मुरैना रतलाम धार और खंडवा ये वो सीट्स हैं जहां बराबर कांटे की टक्कर है। हर सीट की अपनी एक वजह है। अगर हम छिंदवाड़ा क्यों फंसी है हमें पता है, बहुत स्ट्रांग है कमलनाथ जी, मैडम ने अभी कमलनाथ जी पे बहुत आरोप लगाए, मैं उस पर बारे में बाद में बात करूंगा। मंडला में से 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास है विधायक की, तो वहां पे कांग्रेस का संगठन रीजनेबली मजबूत है क्योंकि विधायक है वहां पे 8 में से 5। सीधी में पेशाब कांड का असर अभी तक है, ये ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है और इस वजह से सीधी भी फंसा हुआ है। सतना में बसपा के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने मामले को त्रिकोणी कर दिया है और वो जो ब्राह्मण वोट्स को डैमेज कर रहे हैं उसका सीधा सीधा नुकसान सतना में भाजपा को हो रहा है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह अभी भी 77 साल की उम्र में रोजाना सड़कों पर है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, राजगढ़ जीतना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। मुरैना में शुक्रवार परिवार का बहुत प्रभाव है और वहां पे भी लड़ाई बराबर की होने वाली है। कांतिलाल भूरिया रतलाम में बहुत अच्छी लड़ाई और बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन पे डिटेल में बात करेंगे पर मैडम ने जो कमलनाथ जी पे परिवारवाद का आरोप लगाया, मैम सबसे पहले भाजपा देखिए, इतनी बड़ी लिस्ट है कि आधा घंटा पूरा परिवारवाद पे ही निकल सकता है। अमित शाह जी से लेके राजनाथ सिंह जी से लेके हेमा मालिनी जी से लेके रीता बहुगुणा जोशी से लेके इतने नाम है कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। पहली चीज आपने बोला कमलनाथ जी के 100 शहरों से ज्यादा में उद्योग है, उद्योग लगाना गलत है, उद्योगपति होना गलत है, सारे उद्योग दो ही कानूनी रूप से अपराध है, सारे उद्योग क्या दो ही परिवारों को देना है? मेरी बात होनी दीजिए, फिर आप आराम से टिप्पणियां नहीं कर सकते। मैं कोई टिप्पणी नहीं करी, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। उद्योगपति होना गलत नहीं है, उन्होंने अगर उद्योग सही तरीके 20 साल से आपकी सरकार है जांच कराई है उनके उद्योगों की, दिग्विजय सिंह को 20 साल से उन्होंने डालिए ना जेल में, आप जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं, जनता देख रही है। तो सिर्फ आरोप मत लगाइए, बेरोजगारी पे बात करिए, रोजगार के सटीक आंकड़े दीजिए। इतने स्कूल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, कितने स्कूल, सर बस कंप्लीट कर रहा हूँ। पिछले चुनाव के लोकसभा को लोकसभा से कंपेयर करते हैं, लोकसभा को विधानसभा से नहीं कंपेयर करते हैं। पिछले लोकसभा में बिफोर बालाघाट में आप सर्वे निकालिए, क्या सर्वे थे, मेरे पास डिटेल है। उस बालाघाट क्या हुआ वो हमने देखा, इस बार ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, इसीलिए वहां पे भी जो सीटें आप पहले जीते उन सीटों पर आज आप भी कमजोर है। अब मैं अगली बार जब सर मुझे मौका देंगे मैं डिटेल सीट टू सीट आपको बताऊंगा आप क्यों कमजोर है। चलिए वंदना जी बताइए आप कुछ कहना चाह रही हैं। आप बहुत ज्ञानी हैं अक्षय जी, बड़ा अच्छा लगा कि आपके जैसे एक युवा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के पास हैं, लेकिन केजरीवाल जी के विषय में आपने टिप्पणी नहीं करी, ये मुझे बड़ा दुखद लगा। देखिए जेल में जिसको डालना उसको तो हम डालकर ही रहेंगे, उसकी चिंता आप मत करिए, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सब सलाखों के पीछे जाएंगे, मोदी जी की सरकार है।
दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि लोकसभा को लोकसभा से कंपेयर करते हैं, देखिए सूचियां आंकड़े और तथ्य मेरे पास भी हैं, लेकिन बात हो रही है अभी चुनाव की, और चुनाव की जब बात होती है तो लोकसभा में चुनाव लड़ती है केंद्र की योजनाएं, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां है वो, और आप जानते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी की गारंटीज पे। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरह वहां व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता, वहां पे हर बूथ पर कमल का प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, मोदी जी की गारंटीज चुनाव लड़ती है। और आपको पता होगा मोदी जी की गारंटी सैन्य सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, आयुष्मान के माध्यम से लोगों को फ्री इलाज, गरीबों को, बुजुर्गों को फ्री इलाज देना, उसके अलावा आत्मनिर्भर किसान, इसके अलावा मैं आपको गिनतियों की इतनी सारी योजनाएं बता दूंगी जो हमने काम किए हैं। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेके आए हैं, हमने 3 करोड़ लोगों को आवास दी और अभी भी हम 4 करोड़ लोगों को देने की बात कर रहे हैं। तो हमने ग्राउंड पर काम किया है। आप प्रत्याशी देखिए, प्रत्याशी की बात विधानसभा चुनाव में किया करिए, लोकसभा चुनाव में लोग अपना प्रधान सेवक चुनने जाते हैं सबसे पहले माननीय, तो प्रधान सेवक के रूप में आपकी जो ये इंडिया अलायंस की बात निकली है, इसके दूल्हे कौन है, केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी, यही आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। आप ग्राउंड की बात मत करिए, आप ये बताइए कि आपके लीडर कौन है। आप लोग ये जो इंडिया अलायंस बैठ बना के बैठे हैं, वो एक राज्य में हम तुम्हारे हैं सनम, दूसरे राज्य में ये रिश्ता क्या कहलाता है हम तुम्हें नहीं जानते। तो इस प्रकार का जो ये आपका घमंडिया ठगमंडन वाला डामाडोल अलायंस बना है, उसको जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के विकास कार्य जनता ने देखे हैं। तो देखिए जनता प्रत्याशी, आप जो अपने कांति देव भूरिया जी के बारे में बोल रहे हैं, वो भी हारेंगे, दिग्विजय सिंह जी भी हारेंगे, नकुल नाथ जी भी हारेंगे, सब हारेंगे। कारण है विकास, जनता को विकास चाहिए और विकास करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार क्या करती है, वो दिल्ली के आपके आला कमान बता रहे हैं जेल में बैठकर। तो कृपया करके ये जो लिस्टें लेके आप बैठते हैं ना, ग्राउंड रिपोर्ट लेके बैठते हैं ना, तो वो ग्राउंड रिपोर्ट कब कब फेलियर साबित हो जाती है, जब 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। पिछली बार भी ऐसे बहुत सारे तर्क पेश किए होंगे आपने चुनाव से पहले। अभी आपकी पार्टी का उदय भी नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करिए। केजरीवाल जी के विषय में बताइए, केजरीवाल जी के लिए आप अंबिका जी, क्या लगता है जो वंदना जी बोल रही है लगातार की विकासों की पूरी फहरिस्त है उनके पास में, किन मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो जनता के बीच में जा रही है, क्या कह रही है, कैसे कैसे भाजपा को डिफीट देगी कांग्रेस? अंबिका जी, भारतीय जनता पार्टी जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं उनसे भागती है और जो जज्बाती मुद्दे हैं उनको उठाती है। युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया, युवाओं से कहते आए थे हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या दे पाए। किसान से कहते आए थे कि हम तुम्हारी दुगनी आय करेंगे, कर पाए। और ये लोग केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए उत्तरदायी है। जैसे ही ये आए, इन्होंने किसानों का कर्जा तो माफ नहीं किया, 16 लाख करोड़ रुपए व्यापारियों का, जो मित्र इनके कुछ बिजनेसमैन थे, पूंजीपति थे, उनको 16 लाख करोड़ रुपए उनकी तिजोरी में डाल दिए। इससे इस बात को लेकर भारत की जनता, देश की जनता अपने आप को ठगा मानती है। दूसरी तरफ हमारे राहुल गांधी जी, जो इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो धोखा किया देश की जनता के साथ, बरगलाया, झूठे वादे किए, उन वादों को का कष्ट दूर करने के लिए, उन वादों से जनता को निजात पाने के लिए एक बहुत शानदार मैनिफेस्टो जनता के बीच में लेकर आए हैं। उन्होंने कहा जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश के 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हम जो एजुकेशन लोन लिया है नौजवानों ने, उनके पालकों पर वो प्रेशर है लोन का, हम वो माफ करेंगे। हम किसानों का कर्जा पूरा माफ करेंगे। ये तमाम ऐसी घोषणाएं हैं। हम नारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, अब कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के घोटाले नहीं होंगे, पारदर्शी परीक्षाएं होंगी। ये हमारे राहुल गांधी का वादा है, कांग्रेस का वादा है, ये एजेंडा है, ये हमारा न्याय पत्र है और इस पर विश्वास जनता कर रही है।
और इनको इनसे मुक्ति चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, इनकी विदाई कर रही है। आप तय मानिए 4 जून का इंतजार करिए, सब कुछ तय हो जाएगा। अंबिका जी एक सवाल जहन में आया है, अब जो आप बता रहे हैं ये बात, अगर हम विधानसभा की बात, विधानसभा में भी कांग्रेस ने लगातार पूरे प्रदेश में ये माहौल भी बनाया था कि कांग्रेस जो है लीड कर रही है, जीत रही है, लेकिन परिणाम तो एकदम उलट आए, क्या लगता है क्या कारण है? आज इन्होंने वोट प्राप्त नहीं किए, इन्होंने लाडली बहन योजना के माध्यम से वोटों को लूटा है, ये बरगलाया है। 1,000 रुपए जो दिए हैं ये लोकतंत्र की के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये सब 1,000 रुपए दे दिए और बहनों ने वोट दे दिए, सही वोट नहीं दिए इन्होंने। आप जी ने कहे थे लगाने वाले कोई नहीं होते माननीय प्रवक्ता जी, जनता ने अपना निर्णय दिया है उस पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, और ये नहीं कह सकते कि वोटों को खरीदा गया, ये आप जनता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये आप रेवड़ी बांट रहे हो, ये आप प्रेशर और प्रलोभन में वोट कबाड़ रहे हो, इससे लोकतंत्र स्वस्थ होने वाला नहीं है ना मजबूत होने वाला है। ये सब जनता की सारी कमाई आप करते हैं और आप कहते हैं लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, आप माइनॉरिटीज जो इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से जो लोगों का कमाया हुआ पूरा एक लोगों को तो देने में विश्वास करते हैं, माइनॉरिटीज के बारे में सिर्फ बात करते हैं अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र, आप एक वर्ग विशेष को साधने में क्यों लगे रहते हैं? रेवड़ी बांटने की बात आप मत करिए, आपके आपने जो अपना ये जो अभियान चलाया उसमें बहुत सारी रेवड़ी, सरकार आपके साथ एक भी रेवड़ी आप जनता को नहीं, सरकार का कार्यकाल आपसे और इतने लंबे समय तक हमने शासन किया, कभी इस प्रकार से अगर ये करना होता तो हम उस समय करते। वो माइनॉरिटीज पे क्यों है? पूरी जनता को साथ लेकर सबका साथ, सेम पित्रोदा ने एक बात कही, हमारे घोषणा पत्र सब ऐसा बांटने वाली बात है, हम लोगों का पैसा बांटेंगे, लिखा है वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज फॉर द माइनॉरिटी। मैडम मैडम जो काला धन सरकार के पास आएगा उस काले धन को हम गरीबों के कल्याण में लगाएंगे। ये विरासत टैक्स अचानक जब राजीव ने बंद कर दिया था तो राहुल गांधी जी क्यों लेके आ रहे हैं? ये राहुल गांधी जी सांप्रदायिकता, वर्गीकरण, जाति के आधार पर लड़ाना, इससे फुर्सत हुए तो हम इनहेरिटेंस टैक्स पर आ गए। एक सेकंड, अच्छा आप देश को विकसित बनाने जा रहे हो, अपने मंदिर देश की यूथ पावर का संचित उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? नौजवानों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वैज्ञानिक क्यों नहीं बना रहे हो? इस यूथ पावर का सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं, लोहा मान रहे हैं, पूरा विश्व का क्या मौका देंगे? जी अक्षय जी लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुनते हैं। अक्षय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर काफी देर से मैं सुन रहा था, मुझे उम्मीद है आप मुझे उतना ही मौका देंगे और मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जी बोलिए। मैडम ने कुछ बातें की हैं जिसका जवाब मैं देना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण मैडम, वो हमने हमारे प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर नहीं गए, हमने ब्रजभूषण सिंह जी के केस में देखा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे क्या हुआ। आपने किसानों के बारे में बात किया, 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं, ये हमारी विफलता है, सफलता नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को दो वक्त का खाना सरकार को देना पड़ रहा है। अब मैं आता हूं आपकी कुछ विकसित योजनाओं पे, विकास की योजनाओं पे। 2025 तक हम लोग $5 trillion की इकोनॉमी होने वाले थे, हम लोग नहीं हुए। हम लोग इंटरनेट के लिए 2022 तक हर गांव में वाईफाई लगाने वाले थे, हम लोग नहीं कर पाए। 2024 तक 50 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क बनाने वाले थे, हम नहीं कर पाए। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहते थे, वो बढ़ रहा है। हम लोग रेल मार्ग को ब्रॉडगेज से जोड़ना चाहते थे, हम नहीं कर पाए। हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी करने वाले थे, हम लोग नहीं कर पाए। मेरे पास डिटेल में डेटा है। भारतमल परियोजना 0 लॉन्च करने वाले थे, हम नहीं कर पाए। मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है जो आपके पिछले मैनिफेस्टो से आप नहीं कर पाए हैं। और सुनिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम वर्ड, मुसलमान वर्ड नहीं है। माइनॉरिटीज में दलित, मुस्लिम्स, सिख, जितने भी समाज हैं, जैन, पारसी, सब आते हैं। आरोप लगाना बंद करिए, हम लोग 21वीं सदी में हैं। आप ये बताइए ना, आपने किन क्या क्या योजनाएं के काम बराबर है? इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, सर सर
सर मेरा ये कहना है, हमारा मध्य प्रदेश इतने कर्जे में है, देश इतने कर्जे में है, मैडम ये बताएं कि किन योजनाओं का इफेक्ट कहाँ गया? कांग्रेस को उनके मैनिफेस्टो के साथ छोड़ दीजिए, आप जब वोट मांगने निकल रहे हैं तो आप मणिपुर पे वोट मांग रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह पे वोट मांग रहे हैं, उनके आप ऐसे आदमी को वोट देने वाले हैं? आपके गृह राज्य मंत्री टेनी साहब अभी भी उनका बेटा बेल पे घूम रहा है। इन सब सवालों के जवाब दीजिए, आपकी योजनाएं बताइए क्या क्या ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हुई है। मैनिफेस्टो छोड़ दीजिए, केजरीवाल जी हमें पता है कोर्ट उन्हें सजा देती है नहीं देती बताएगा, अभी से आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं, नहीं तो पूरी डिबेट निकल जाएगी। तो ये बताइए मध्य प्रदेश में आपके 28 सांसदों ने कितने स्कूल अस्पताल उद्योग खोले, ये डेटा दीजिए मुझे। अक्षय जी, आप एक नोट पेपर यूज करिए, गूगल से डेटा लीजिएगा, क्योंकि इतना समय में नहीं है, 2014 से पहले कितने एयरपोर्ट्स थे, आज कितने हैं, कॉलेजेस थे आज कितने हैं, कितनी इलेक्ट्रिफाइड ट्रेनें थी आज कितनी है, कितने रेलवे स्टेशन हमारे जो विश्व स्तरीय थे वो आज कितने हैं, कितने एम्स थे आज कितने हैं, कितने आईआईटी थे आज कितने हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे आज कितने हैं, कितने वन किलोमीटर फैक्ट्री थी आज कितनी है। तो जरा आप एक ग्राफ बना के नोट कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पता जी समय की सीमा है, एक सवाल का जवाब मैडम, सबसे कोर पैरामीटर होता है हमारी करेंसी, आपको पता है हमारी करेंसी का हाल क्या है, 85 रुपीस, $1 इज 85 इंडियन रुपीस, जवाब दीजिए क्यों है। जब मैं आपको जवाब दूंगी तो आप मुझे जवाब दीजिए। अब केजरीवाल जी पे विषय पे बात करना विषयांतर होगा, लेकिन आपके इतने सारे मंत्री जेल में क्यों है उसका भी जवाब दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगी। वॉशिंग मशीन भाजपा भ्रष्ट नेताओं को साफ कर जाए। मिनिस्टर ऑफ आम आदमी पार्टी इज बिहाइंड द बार्स, काइंडली स्पेसिफाई। मंदला जी समय चूंकि सीमित है, अक्षय जी एक सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, सवाल का भी नहीं है आपके पास। जी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि समय कम है। अक्षय जी एक बहुत साधारण सा सवाल है जो मैंने अंबिका जी से भी कहा था कि आप अच्छी क्या, अंबिका जी ने भी एक लंबी लिस्ट बताई है कि भाजपा कहाँ कहाँ फेलियर है, कहाँ क्या नहीं किया है, आपने ही बताया है, क्या कारण है, एक विशेषज्ञ के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कारण है कि उसके बावजूद भाजपा जो है वो विधानसभा में 1% जीत कर लेती है, और पिछली बार तो कांग्रेस की पार्टी 2019 से कांग्रेस एक प्रदेश में आई थी, उसके बाद में विधानसभा में 28 सीट, इस बार पूरी की पूरी 29 की बात कर रहे हैं, क्या कारण है, मतलब इसका कारण क्या है कि पार्टियां लगातार आरोप लगाती है लेकिन बावजूद उसके भाजपा को आम जनता जो है वो। पंकज जी ये बात तो मानना पड़ेगा कि आम जनता वोट करती है, उनके डिसीजन को ऑनर तो करना पड़ेगा, बट जिस तरीके से आम जनता के वोट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो आप मीडिया पे कंट्रोल को देखें, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कंट्रोल को देखें। मैडम केजरीवाल जी की बात कर रही थी, एक मुख्यमंत्री जेल में है, मैडम जवाब तो देने दीजिए, आपसे भी करूंगा जवाब, समय दीजिए 5 पॉइंट। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे कंट्रोल है, जिस तरीके से नैरेटिव को बहुत प्लान तरीके से जा रहा है, इस सब में भाजपा की मास्टरी है, वो इंदौर में हो, सूरत में हो, वो वीडी शर्मा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे भाजपा बहुत अच्छे से यूज कर रही है, और मुझे पता है कि विपक्षी दल कमजोर पड़ रहा है, पर चुनाव टू चुनाव भाजपा का ग्राफ कैसे गिरेगा ये हम देखेंगे। अब चलिए चलिए अंबिका जी बहुत संक्षेप बताइएगा, इस बार कुछ सीटें क्या कांग्रेस के खाते में आने वाली हैं लोकसभा में मध्य प्रदेश में? अंबिका जी निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएंगे, आप 4 तारीख का इंतजार करिए, 4 तारीख को हम मिलेंगे, हम फोन करके आपको बताएंगे कि देखिए इतनी सीटें कांग्रेस की आई हैं, जिन सीटों के बारे में एक भ्रम बनाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई हैं। ठीक है चलिए वंदना जी बहुत संक्षेप में 29 28 या कुछ स्वीप 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, हम इस बार कांग्रेस पार्टी को नेस्तो नाबूद करके रख
प्रदेश में, और सारी की सारी 29 सीटें जीतकर हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को वो सौगात प्रदान करेंगे। इनको जनता नष्ट नाबूद करेगी, हम नहीं करेंगे इनको नष्ट नाबूद, जनता करेगी इनको नष्ट नाबूद। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अभी पूरा बल चला जाएगा लोकसभा के लिए। से बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई, और ये निश्चित रूप से इंतजार करना होगा 4 जून तक का, जब हमें पता लगेगा कि आप में से किसका दावा सही था और आम जनता ने किसे चुना है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।